1962 की चीन से लड़ाई भला कौन भूल सकता है। इस युद्ध के दौरान चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जमीन वहां रहने वाले लोगों से लेनी पड़ी थी, ताकि उस जगह बेस कैंप, बंकर और बैराक बनाए जा सके। इस घटना को 56 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद आई कांग्रेस की सरकारों ने उन गांव वालों की सुध तक नहीं ली जिन्होंने देश की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपनी जमीनें दे दी, अपने परिवारों को कुर्बान कर दिया। 56 साल बाद अब पीएम मोदी ने इन लोगों को सहारा दिया है। मोदी सरकार ने अप्रैल 2017 में वेस्ट कामेंग के 3 गांवों में रहने वाले ऐसे ही 152 परिवारों के बीच 54 करोड़ रुपए वितरित किए थे। सितंबर 2017 को 158 करोड़ की दूसरी किश्त उन्हें समर्पित कर दी गई। इसके बाद फरवरी 2018 में 40.8 करोड़ रुपए तवांग जिले के 31 परिवारों के बीच बांटे गए, और अब एक बार फिर 19 अक्टूबर को 38 करोड़ रुपए कामेंग गांव को ही दिए गए हैं। मोदी सरकार के इस कदम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी को देश के जन जन का किस हद तक ख्याल है। 56 साल तक जिन्हें कांग्रेस ने भुलाए रखा, उन्हें अब पीएम मोदी उनका हक दिला रहे हैं।